सी यू टू आई टू बनता है सी टू आई टू का कलर क्या होगा ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है यही है ना सीयू टू आई टू ब्राउन प्रेसिपिटेट एक और टेस्ट था आई माइनस के साथ एच जी सी एल टू क्या आता था एच जी आई टू प्लस सी एल टू और एच जी आई टू reacts with KI to form फॉर्म so, के टू एच जी आई फोर तो पहले तो इसका अलेट प्रसिपिटेट बनेगा टू फर्दर डिजोल्व हो जाता है सोलबल होगा एक्सेस के आई में आयोडाइडायन के टेस्ट क्लियर हो गए आयोडाइड हाइडायन के क्या क्या टेस्ट है ओके नाउ नाइट्रेट नाइट्रेट के टेस्ट में क्या है कि, कि जितने भी नाइट्रेट लिथियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट मैग्नीशियम नाइट्रेट आर बट ऑफ मर्क्यूरी और ले तो क्या देता है मतलब एच जी एन थ्री ट्वाइस ले लो बी एन थ्री दे दो तो वो बेसिक सॉल्ट हो गया वो बेसिक सॉल्ट हो जाता है किसके साथ ऑन ऑन ट्रीटमेंट विथ एस टू ओ तो नाइट्रेट जैसे एच जी एन ट्वाइस ले लो और उसको वाटर से रिएक्ट करो तो वो वहां पे एच जी वेस्ट वाइस वाला भी फॉर्म होता है जिसका कारण वो बेसिसिटी आता है और उसमें सिंस बेसिक बन गया वेस्ट वाइस तो वो क्या बनेगा सोल्यूबल इन द डायलूट एच एन तो अभी तक जो हम लोगों ने किया था सब में क्या था डायलूट वाले कौन कौन से थे डायलूट एसिड में डिजोल्व करने वाले स्कैंड्स और एन ओ थ्री में डिजोल्व होने वाले कौन कौन से हो गए क्लोराइड ब्रोमाइड, आयोडाइड नाउ नाइट्रेट अब नाइट्रेट में तुम डालोगे एच टू एसओ फोर तो इफ यू पुट एच टू एस फोर इन नाइट्रेट क्या बन जाएगा एच एन ओ थ्री और एच एन ओ थ्री डिकम्पोज होगा किस में एच एन ओ थ्री का डिकम्पोजेशन हो गया एच एन ओ टू में एच एन ओ एनओ टू में सॉरी एनओ टू बाहर आता है और ओ टू गैस बाहर चला जाता है ये है ना द so वेपर आएगा प्लस ओटू गैस बाहर आता है एच एन ओ थ्री और कॉन्स टू एस से क्या होता है वहां पे वो यदि नाइट्रेटिंग मिक्सचर बनाओगे तो क्या होगा एनो टू प्लस में तो एनो टू प्लस तो तब बनता है ना जब वहां पर कोई रिएक्ट करने वाला हो अदरवाइज एनो टू प्लस किस में कन्वर्ट होगा एनओ टू में बाहर आ जाता है ते ही होता है इसमें मतलब नाइट्रेट रहा तो क्या रिएक्शन होगा हुए सुपर यही नाइट्रेटिंग मिक्सचर था ना एच एन ओ थ्री तो बना बट एच एन ओ थ्री ब्रेक हो जाता था एनओ टू प्लस में याद होगा तुम्हें तो एनओ टू प्लस नाम क्या है एनओ टू बनेगा और एक ऑक्सीडेशन होगा इसका नाइट्रेट का रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन यही है ना ओके okay. फिर ब्राउनिंग टेस्ट तो ब्राउनिंग में क्या होगा कि जैसा नाइट्रेट है एफ्री प्लस एफ ई थ्री प्लस और नाइट्रेट का एनओ बन जाएगा ना एफ तो मतलब ब्राउनिंग के लिए एनओ तो बनना था एच एन ओ एनओ टू माइनस में ब्राउनिंग कैसे बना था कि जब एनओ टू माइनस दो गए प्लस से रिएक्ट करके क्या बना था पहले ब्लू कलर सोल्यूशन बन गया था क्यों तो मिक्सचर ऑफ एच एन ओ टू और इसका एनहाइड्राइट एन टू थ्री बनता था और बाद में एच एन ओ टू ब्रेक हो जाता था किसमें में तो ये एनओ टू बाहर आ जाता था बट यहाँ पे यदि तुमने एफ एस ओ फोर डाल दिया ऊपर से तो क्या हो गया एफ ई एसओ फोर इधर सोल्यूशन और एनओ से रिएक्ट करके ये ब्राउन रिंग फॉर्म हो जाता था एफ एच टू फाइव एनओ एसओ फोर यही था ना कि यहाँ पे प्लस वन होता है ये प्लस वन जाता है तो नाइट्राइट में मेनो कैसे आया था से क्लियर हुआ ना तो नाइट्रेट ब्राउनिंग कैसे देगा नाइट्रेट के ब्राउनिंग का क्या होगा नाइट्रेट जो होता है उसमें तुमने H प्लस पुट किया तो क्या हो जाएगा HNO3 और वो Fe2 प्लस से रिएक्ट कर रहा है तो खुद किस में गया एफ ई थ्री प्लस में और ये रिड्यूस होके यहाँ पे एनओ आगे अब एनओ को एफ ई एस सो फोर सोल्यूशन केयरफुली ऊपर से एड करो सो so, ये ब्राउनिंग फॉर्म होगा एफ एफ एस टू फाइव एनओ एसओ फोर ये क्लियर हो गया ओके ये क्लियर हो गया अभी नेक्स्ट देखो तो नाइट्रेट के दो टेस्ट हो गए उसके बाद का कौन सा ऑन शेकिंग एंड वार्मिंग द मिक्सचर ऑफ द ब्राउन कलर डिसअपियर उसमें क्या होता है ब्राउन कलर डिसअपेयर हो जाता evolved, है नाइट्रिक ऑक्साइड इज इवॉल्व एंड नो बाहर रहता है एंड येलो सोल्यूशन ऑफ आयरन रिमेंस वहां पर क्या होगा नाइट्रिक ऑक्साइड इवॉल्व हो गया और येलो सोल्यूशन ऑफ हाँ वो आयरन का रह जाएगा तुम्हारा वहां पर दिया हुआ है ना मतलब एनो गैस बाहर आ जाएगा राइट तो ब्राउनिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है फिर ओके नेक्स्ट बोरेट का टेस्ट देखो बोरेट में क्या हुआ था कि बोरेक्स में जैसे ही तुम एसिड डालोगे एन तो ए टू बी फोर ओ सेवन कहाँ से बना था वो एस थ्री बी ओ फोर का ही एनहाइड्राइड आया हुआ ना उसमें एच प्लस दोगे तुम एच प्लस पुट करते हैं तो क्या बनता है एस थ्री बी ओ थ्री बाहर आ जाएगा एस थ्री बी ओ थ्री बाहर आ जाएगा ये ना एन ए टू बी फोर ओ सेवन प्लस एस टू एस ओ फोर एच बी ओ टू बनेगा और जाके एस थ्री बी ओ थ्री आ जाएगा और एन ए टू बी फोर ओ सेवन एच सी एल प्लस करेगा तो एस थ्री बी ओ थ्री आ रहा है मतलब ये वहां पे भी क्या था बोरॉन के एक्सट्रैक्शन में कि बोरेक्स पे तुम एच प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा एस थ्री बी ओ थ्री बाहर आता है और एस थ्री बी ओ थ्री को एस थ्री बी ओ थ्री एस थ्री बी ओ थ्री को हम लोग क्या करें हिट करेंगे NA2B4O7 के साथ, ये आ गया, और एस थ्री बी ओ थ्री से हम लोगों ने बोरॉन भी बनाया था ये था ना ये बोरेक्स वाले में था चैप्टर में तो फोर डालने पर ये, ये बोरॉन के फॉर्म में आ जाता था उसके बाद अब एस थ्री बी ओ थ्री के साथ वाटर ना डालकर सीएस थ्री वो डाल दो तो क्या बन जाएगा बी ओ सी बी ओ सी एस थ्री थ्राइस ये भी उधर था विशब ग याद होगा ये वर्ल्ड साथ बन करता था यदि रहे रहे और OCH3 रहे Clear? Oxalate का आ, oxalate में क्या हो गया सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जब सिल्वर सोल्यूशन है अब इसमें तुम एजी प्लस डाल oxalate के साथ AG, बनेगा silver के साथ क्या बन जाएगा प्रेसिपिटेट था सबके साथ व्हाइट था Ag2CO3 white, Ag2CS, Ag2S ऐसे व्हाइट ही याद आना चाहिए ब्लैक AgNO2 white, Ag2C2O4 white, AgCl, AgBr, AgI ये तो लन हो गया होगा हाँ तो यहाँ पे भी मोस्टली व्हाइट रहता है एजी टू सी रहता है एजी टू सी टू फोर का आ गया अब एजी टू सी टू ओ फोर बताया था कि एच एन ओ थ्री में ये सिल्वर के सारे कंपाउंड क्या होता है डिजोल्व हो जाता है ना मोस्टली कैसे एजीएन ट्वाइस प्लस बनता है फिर यहाँ पे क्या होगा दोगे तो क्या बन जाएगा टू एजी प्लस कैल्सियम क्लोराइड के साथ क्या होता है कैल्शियम के साथ ये बताया था कैल्सियम के साथ कार्बोनेट हो सल्फाइड हो सल्फेट हो सबका व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑक्सलेट तो भी वही है व्हाइट प्रेसिपिटेट लार्जर एनआईन प्रेसिपिटेट बनाते हैं ना ग्रुप टू के साथ ओके पोटेशियम पर का सोल्यूशन देख लो ऑक्सलेट को कोगे तो कैमिनो फोर खुद रिड्यूस होगा और ऑक्सलेट ऑक्सीडाइज होकर गया टू बनता है यही है ना हाँ तो एम फोर माइनस एम एन टू प्लस में चला गया और ये क्या हो गया ऑक्सीट का सी टू आ जाएगा А, об этом. हाँ, इतना देखो क्लियर हुआ सबको ओके नेक्स्ट देखो ग्रुप बी रेडिकल ग्रुप बी रेडिकल में क्या है सल्फेट है फॉस्फेट है क्रोमेट है डाइक्रोमेट है है ना तो इसमें क्या क्या होगा सल्फेट को देखो अब ये ग्रुप भी रेडिकल मतलब इसमें वेपर बाहर नहीं आएगा ना डायलू टेस्टोर के साथ ना कॉन्क के साथ डायलूटे के साथ जिसमें बाहर आता था और कॉन्कूएसो फोर के, के, के साथ ये क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ऐसे ओके okay. हाँ तो सल्फेट पे देगा सल्फेट में क्या हो गया ये बताया था सल्फेट तो मैं मालूम हुआ कैल्सियम एस्ट्रसियम बेरियम सबके सल्फेट कार्बोनेट सल्फाइट ऑक्सलेट वो सब क्या होंगे प्रेसिपिटेट होता है बेरियम को यदि सल्फेट को बाहर करना है तो ऐसे सल्फाइड को किया था बेरियम ऐड कर दो बीएसओ फोर का वाइट प्रसिपिटेट आ गया मर्क्यूरी के साथ में क्या बन जाएगा जी एस बट वहां पर आया था कि बेसिक ऑक्साइड बनता है था ना वो मर्क्यूरी वाला क्यों यहाँ पे जी बन जाएगा साथ में तो तुम सल्फेट के साथ एच जी टू प्लस डाल रहे हो, तो क्या हो रहा है HGSO4 और एक एच है ओ का क्या बनना? बन जा रहा है ना तो बेसिक येलो प्रेसिपिटेट ऑफ बेसिक मर्क्यूरिक सल्फेट बनता है यही है ना फॉस्फेट के साथ क्या होगा बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लो फॉस्फेट के साथ तो बी एस का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम क्लोराइड के साथ फॉस्पेट पुट करोगे तो ये सब को कुछ कर नहीं की सकते लर्न तो करना पड़ेगा कि बेरियम प्रेसिपिटेट होता है सिमिलरली सिल्वर के साथ ये सब कलर लर्न कर लोगे कि येलो आता है फिर वही सिल्वर डिजोल्व होता है स्त्री में यही था ना इसमें नथिंग टोटल ये सब लर्न करना पड़ेगा तुम्हें तो ये फॉस्पेट वाला ये टेस्ट आते रहता है अमोनियम वाली वाला येलो प्रेसिपिटेट आता है ये बड़ा फॉर्मूला वाला तो ये ये ये, ये भी याद करोगे क्रोमेट के साथ क्या है सी आर ओ फोर एन ए टू सी आर ओ फोर बेसिक सोल्यूशन में एग्जिस्ट करता है और एसिडिक सोल्यूशन में डाइमेराइज हो जाता है इसीलिए के टू सी आर टू ओ सेवन के सारे रिएक्शन एसिडिक में करते हैं हम लोग बेसिक में यूज करोगे तो क्या होगा के टू सी आर टू ओ सेवन बचेगा ही नहीं किसमें हो जाएगा वो ओके okay. अब क्रोमेट हो गया एनए टू ओ फोर उसमें प्लस डालोगे तो एनएस टू आर टू ओ सेवन आ जाएगा ऑरेंज कलर यही तो एनए टू आर टू ओ सेवन क्या होता है सॉल्युबल होता है इसलिए कभी भी एनए टू आर टू तो सेवन यूज नहीं करता हम लोग क्या यूज करते हैं उसको सॉलिड बना के रखना है ना

ट माइनस uh, OH मतलब इसको ऐसे लिखोगे ओ OH एच माइनस बेसिक दोगे तो ये सीआरओ फोर टू माइनस में आ जाता है येलो सोल्यूशन आ जाता एच प्लस दोगे तो ये इसमें आ जाएगा सीआर टू सेवन में यही दिया हुआ है ना इसीलिए हम लोग एसीडिक यूज करना था बेरियम के साथ जब तुम यूज करोगे तो बेरियम के साथ क्या था बी ए सीआरओ फोर येलो प्रेसिपिटेट क्रोमेट का दो ही टेस्ट आएगा बी एस सीआरओ फो या पीवीसीआर ओ फोर यही मुझे मोस्टली दोनों आते रहते हैं सिल्वर नहीं आता। तो बी एस सीआर -सी -सी तो -सी का येलो प्रेसिपिटेट बना था यही था ना हाँ तो यदिट भी लोगों तो वही चीज होगी बी एस सीआर ही बनेगा येल्लो प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या हो गया एल टू सी आर ओ फोर प्रेसिपिटेट आगे एजी टू H+ फोर एच प्लस में डिजोल्व होगा क्यों सी आर ओ फोर माइनस रिएक्ट करते हुए Cr2O72- टू सेवन टू माइनस चला जा रहा है तो अनिक पार्ट रिएक्ट कर रहा है इसलिए वो डिजोल्व हो जाएगा अब Ag2CrO4 टू सी आर ओ फोर एन एस थ्री से रिएक्ट कर सकता है Ag2CrO4 टू सी आर ओ फोर टू सी एल माइनस टू सी आर ओ फोर प्लस फोर थ्री एन एस थ्री ट्वाइस प्लस होगा राइट तो सब डिजोल्व हो रहे थे हो क्लोराइड हो ब्रोमाइड हो ये पिछले बार क्वेश्चन भी किया था एजी टू सीआर सी एल माइनस एड कर दो तो क्या बन जाएगा एजी सीएल का वाइट प्रेसिपिटेट एंड सीआरओ फोर टू माइनस फिर यहाँ पे इसके साथ रेडिश ब्राउन कलर है इसका ब्रिक रेड कलर ये सब तुम्हें लाद करना पड़ेगा लेड एसिटेट के साथ अभी बताया था बेरियम बेरियम क्रोमेट का क्या था येलो प्रेसिपिटेट यहाँ भी पीवीसीआरओ फोर का येलो प्रेसिपिटेट होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्या होगा तो ये पहले भी आया था हाइड्रोजन चैप्टर में CRO5 का डीप ब्लू कलर बनता है ये आते रहता है ना बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जिसमें 6 आता है। solution, H2O2. तो क्या बन रहा है डीप ब्लू सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम पेंटो ऑक्साइड डीप ब्लू सोलूशन ऑफ क्रोमियम पेंटो ऑक्साइड बनेगा सीआरओ फोर टू माइनस एच प्लस से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा CRO5. आप CRO5 क्या होता है? है. तो तो होगा. बाद में 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 बाहर आ आ आ जाता. और खुद प्लस में आ गया। हाँ। खुद प्लस में आ गया. गया. तो क्या हो जाएगा वो वो ना केमेनो फोर केमेनओ फोर को एस टू ओ टू से रिएक्ट करोगे तो क्या होगा ये तो पहले भी था के मेनो फोर एस टू टू को ऑक्सीडाइज कर देगा ओ टू में और एम एन माइनस एम प्लस में गया एमएनओ क्या करता है Fe2 प्लस को भी ऑक्सीडाइज करेगा Fe3 थ्री प्लस और एम में हाँ बताओ एक बड़ा पार्ट ओवर हो गया एन आयन आपका टैन करना क्लियर हुआ सबको इतना इजी था लर्न करना बता सकते हो कैसा था ये टॉपिक इतना दूर का एन हो चुका है लग रहा है ना लर्न हो जाएगा सबका कलर ही तो लर्न करना है ओके okay. तो कैटाइन पे चलते हैं देखो कैटाइन में कौन कौन सा दिया हुआ एनालिसिस ऑफ कैटाइन, पहला हो गया बोरेक्स बिट टेस्ट है ना तो बोरेक्स क्या है ए टू बी फोर ओ सेवन एस टू अब उसको हीट करोगे तो क्या दिया हुआ है एक ट्रांसप्लेंट कलर ग्लास बीड ऑफ सोडियम मेटाबोरेट एन बीओ टू और बी टू ओ थ्री का बन जाता है इसका एक बीड बन जाएगा स्पेरिकल स्पेरिकल है ना हिट करने पर ये बोरेक्स में किया था हम लोगों ने बोरान चैप्टर में पी ब्लॉक में दिया हुआ है एनए टू बी फोर ओ सेवन यही रिएक्शन लिखा हुआ था एन ए बी टू और बी टू ओ में बी टू ओ थ्री बन जाता है बोरेक्स बीट बन जाता है अब वो सबके साथ कलर प्रोड्यूस करता है सीयू रहेगा तो सी यू बीओ टू बनता है सोडियम कॉपर मेटाबोरेट एक्सपेक्टेड तो ये है कि तुम सबका कलर याद करो बट मेनली कॉपर ही आते रहता है वो तुम्हें मालूम हो जाएगा जब तुम एग्जाम्पल करोगे तो तुम्हें मालूम नहीं ला करना सोल्ट पूछता है कि वॉट इज माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट डायरेक्ट पूछता है तो ये क्या है एन एन एच फोर एच पी ओ फोर एस टू ओ एस थ्री पीओ फोर है ना उसमें से दो हाइड्रोजन हटा दो एक हाइड्रोजन की जगह एन ए एक हाइड्रोजन की जगह एन एच फोर तो ये क्या बन जाएगा एन ए एक बज गया है एन एच फोर एन एनएच फोर और एक एन एन एच फोर एचपीओ फोर इसको हिट करोगे तो क्या बनेगा जैसे वो एन ए बी ओ टू बना था उसी तरह एन ए पीओ थ्री बनेगा यहां भी वही तुम्हारा ट्रांसफर्ट बीड बनता है माइक्रोकॉस्मोसोल्ट का इसका भी बीट टेस्ट इस तरह से आएगा तो दो हो गया एक हो गया माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट और एक हो गया बोरेक्स के बीट का टेस्ट बोरेक्स को हिट करके बनाया गया और एक माइक्रोकॉस्मिक को हिट करके बीट बनाया गया वो भी अलग अलग कलर देगा सबके साथ ओके फ्लेम टेस्ट सबका याद करना है पहले भी इस ब्लॉक में याद किया हुआ तुम लोग का सोडियम सबसे ज्यादा आता है गोल्डन येलो पोटेशियम वायलेट ये भी आते रहता है एक ना ओके नाउ तो ये सबका कलर याद करोगे Of twice. Basic NH4 है. NH4 है, उसमें कोई भी तुम बेस एड करोगे तो क्या बन जाएगा एन एच थ्री गैस बाहर आ जाएगा एन एच फोर प्लस से एन एच थ्री गैस बाहर आता है अब पहला ग्रुप हो गया एजी प्लस एच जी टू प्लस पी वी टू प्लस इसमें क्या होगा एच सी एल कर दो तो बन जाएगा एच जी सी एल एच जी टूसीएल टू पीबीसीएल टू ये तीनों का व्हाइटिपिटेट इंपॉर्टेंट है अच्छे से टेबल याद कर लेना ग्रुप वन में क्या हो गया सबसे पहले डायलूट एच सी किया गया तो सबका व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया अब ग्रुप टू में क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग सल्फाइड ऐड कर रहे हैं तो सल्फाइड क्या बनाएगा सबका प्रेसिपिटेट बनाएगा एच जी एस पीवीएस एच जी एस ब्लैक कलर पीवीएस ब्लैक कलर हाँ, तो ये सब कलर तुम्हें लर्न करना पड़ेगा सारे का और ग्रुप थ्री में जाओगे तो, तो क्या होगा एफ स्त्राइसराइस एलो स्त्राइस ये तीनों हाइड्रोक्साइड बनता है बट एफ यू स्त्राइस क्या होगा बेसिक्सराइस भी बेसिक को जाएगा और एलो स्त्राइस एम्फो थ्री एम्फोटेरिक होगा सबका कलर याद कर लेना आयरन का कलर याद होगा रेडिस ब्राउन एप्पल खाते हो एप्पल खाने के बाद देर थोड़ा ऑक्सीडाइज होकर एप्पल का क्या हो जाता है ब्राउन कलर आ जाता है ना वही ब्राउन कलर याद करो सी आर ओ एसाइज याद ही है एल्यूमिनियम का भी याद होगा व्हाइट होगा अब एस टू एस का तुम पुट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एन एच फोर ओ एच एंड एच सी एल पहले एस टू एस को किसमें पुट किया गया था ग्रुप टू ए में इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एच प्लस तो सल्फाइड आयड बहुत कम आता है बहुत कम आएगा तो एस पी वी एस बी आई टू एस हो गया है ना और यहाँ पे क्या हो गया एस टू एस को बेस के प्रेजेंस में डालते हैं तो बेस क्या करता है सल्फाइड बना देता है अब वो सल्फाइड क्या बना देगा सबका प्रेसिपिटेट जेड एन एस एम एन एस सीओ एस एन आई एस ऐसा एन एस पॉइंट थ्री क्या बनाएगा बी एस सी ओ थ्री एस आर सी ओ थ्री सी एस सी ओ थ्री यही बनाना सबके कार्बोनेट तो वाइट ही होते हैं ना और ग्रुप टू के तो सारे वाइट ही थे याद करो तो ओके okay. नेक्स्ट में मैग्नीशियम का क्या होगा एमजीएनएच फोर पी ओ ये करोगे अब एक बार ये एनालिसिस पढ़ लोगे क्यों ये सब रिएजेंट दिया हुआ है किसके लिए तो इतना तक की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें यहां से स्टार्ट करना है जीरो ग्रुप पीडीएफ का पेज नंबर नाइनटी सिक्स है ना जीरो ग्रुप में क्या एनएच फोर प्लस दिया हुआ है एनएच फोर प्लस होगा तो उसका टेस्ट क्या है एच प्लस बाहर कर दो कोई भी बेस डाल दो तो एनएस थ्री गैस बाहर आ जाता अब एनएस थ्री गैस बाहर आ गया तो उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं बाइट स्मेल यही होगा ना पंजेंट स्मेल आता है। अब वहां पर एक एच का सोल्यूशन लो एक ग्लास रॉड लो

NS3 हो गया, NS3, G2 plus NO3 minus से रिएक्ट करोगे। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है? एक HG ऑक्सीडाइज हो गया, HG plus लिया था, तुमने मर्क्यूरस लिया था। HG plus डिसप्रोपोशनेशन हो गया, एक तो मर्क्यूरी बन गया, और एक HG2 plus बन गया। HG2 plus बना, तो वहां पे क्या आ रहा है? दो Na+ आ गए, एक तो Na2 minus राइट right? और एक हो गया नाइट्रेट तो ये मर्क्यूरी एमिडो नाइट्रेट है। इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बना और एच जी बारह है ये ना सेम टाइप का रिएक्शन लेट के साथ भी देखेंगे हम लोग अब निस्टस्ट रियजेंट बहुत आता है ये नेस्टस रिएजेंट किसका टेस्ट होता है अमोनियम सोल्ट का अमोनियम सोल्ट मतलब एन एच फोर सी एल विथ के टू एच जी आई फोर अभी आई टू को डिजोल्व किया था एक्सेस में तो अमोनियम सोल्ट रियक्ट जी आई फोर स्पेसू आई इंपॉर्टेंट है ये सब लंद करना यदि रोज थोड़ा थोड़ा लर्न करोगे हो जाएगा ये ओ एच जी टू एन एच टू आई बन जाता है ब्राउन प्रेसर पेटेट यही ना अब अमोनियम का एक कोबाल्ट के कोबाल साथ दिया हुआ येलो प्रेसिपिटेट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इससे ऊपर वाले सारे थे। तो वही मालूम चल जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं ग्रुप टू में क्या गया था पी बी एच ए जी एच जी सबके क्लोराइड बनाए थे ना डायलूट एक्सीएड डाल दिया सबका क्लोराइड बन गया क्लोराइड क्या होता है वाइट प्रेसिपिटेट हो जाता है है यही ना ए जी सी एल पीबीसीएल के साथ क्या होगा अब ये सब तो वाइट प्रेसिपिटेट आ गया अब हम लोग फर्दर टेस्ट कैसे करेंगे तो वही फर्दर टेस्ट दिया हुआ लेट का, सिल्वर का सबका देखो तो लेट क्या करेगा लेट के साथ तुमने आ, के साथ रिएक्ट किया जाएगा और क्या बन गया एन ए टू पीबीओ एच फोर सोलबल पीवीसीएल पी बना दो प्रेसिपिटेट और एक्सेस करो तो डिजोल्व हो जाएगा

ए, क्रोमेट का दो ही टेस्ट आते रहता है बेरियम का क्लोराइड क्लोराइड टेस्ट में आया था ना क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट सीआरओ टू सी एल टू बनाया था फिर Na2CRO4 टू सी आर ओ फोर फिर उसमें बेरियम डाल दो या लेड डाल दो बी एस सी आर ओ फोर या पी बी सी आर ओ फोर का येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है येलो सोल्यूशन से उसके बाद पी बी सी आर ओ फोर हाँ ये सॉल्युबल इन एन एच होता है एंड नाइट्रिक एसिड क्यों ये वहां भी आया था एन एच में क्यों डिजोल्व हो गया PbO2 twice precipitated बनता है ना उधर और excess Na2 डालो तो ऊपर दिया होता है कि Na2PbO4 बन जाता है soluble और H+ क्यों डिसॉल्व कर रहा है क्योंकि H+ क्रोमेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसको क्या बना दे रहा है डाइक्रोमेट तो PbCrO4 थोड़ा भी ब्रेक हो के CrO4- आया तो उसको तो C2O7 में कन्वर्ट कर दिया ना तो आगे चलते जाएगा PbCl2 के साथ क्या आई यही मैंने बोला था HgCl2 वाला ही होगा

इनसॉल्युबल रहता है जैसे यहाँ पे तो एक्सेस करने पे किया ही क्या हो गया पीबीआई टू डिसॉल्व हो गया के टू पीबीआई में यहाँ पे फर्दर तुम कैसी एक्सेस बनाते जाओ तो भी वो डिसॉल्व नहीं होने वाला सिल्वर के साथ क्या क्या रिएक्शन होगा एजी प्लस प्लस सीएल माइनस क्या बन गया है का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया पहले तो व्हाइट पीपीटी आ गया किसके साथ? साथ साथ के के सान्थ. और दोगे तो हो ही नहीं रहा है। okay. आ, उल्टा एजीसीएल उसको एन में ऐड कर दो तो एजीसीएल टू माइनस सोल्यूबल बन जाता है वहां पे तो क्या दिया हुआ है वही कौन, कौन के साथ ये प्रेसिपिटेशन नहीं होता है? अब वहां पे ए का व्हाइट प्रेसिपिटेट है डिकेंट कर दो लिक्विड को लिक्विड को बाहर कर दो है ना और उसके बाद कॉन्केथ सी एल में एड कर दो ए जी सी एल में फर्दर रिएक्ट करके ए टू माइनस बन जा रहा है अभी तक कहीं पे नहीं आया था रिएक्शन है ना ए टू माइनस बन जाता है और सोलिबल हो जाता है एन थ्री के साथ वो एन थ्री में डिजोल्व होता है तो कई बार आ चुका अमोनिया सोल्यूशन के साथ क्या हो गया जैसे मर्क्यूरी नाइट्रेट बेसिक सोल्यूशन बना गया था एसओ फोर बेसिक बना गया था एजी उसी तरह एजी प्लस अमोनियम सोल्यूशन दोगे तो क्या बन जाएगा एजी टू ओ बन जाएगा ए जी टू ओ सिल्वर कार्बोनेट बनाया था वाइट बना पीपीटी और हिट किया था एजी टू आ गया था और वही ए टू फर्दर एनएस में डिजॉल्व हो सकता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ पहले किया था एजी आई येलो प्रेसिपिटेट और एक्सेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है ये सब तो वही रिएक्शन है देख लो तो फिर फॉस्फेट के साथ कलर याद करोगे हाइड्रोजन सल्फेट लीव कर सकते हो एन एच के साथ क्या आ गया एजी टू ओ का ब्राउनिस ब्लैक प्रेसिपिटेट ये भी लर्न करोगे सबको स्केच पिन लेकर मार्क कर देना बताया था मैंने अंडरलाइन कर देना ब्लैक मार्कर के जैसा भी रहे वो सब मार्कर से येलो मार्कर जो भी है मर्क्यूरी के साथ क्या हो गया सेम जैसे सिल्वर पे ऑक्साइड बन रहा है मर्क्यूरी का भी वही होता है जी टू ओ बन जाता है हाँ, अब के बारे क्या बता रहा है वो इन इन एक्सेस ऑफ़ तो प्रेसिपिटेट ग्रे कलर का हो रहा है क्यों डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा मर्क्यूरी प्लस वन से किधर जाएगा प्लस टू और जीरो में तो मर्क्यूरी के साथ पहले भी आया था नाइट्रेट वाले के साथ ऐसा था ओके okay. अमोनियम सॉल्यूशन के साथ क्या होगा एच जी सी एल टू और एन एच फोर ओ एच जैसे लेट के साथ बना था ना पीबीसीएल पीबीएनएस टू वाला उसी तरह यहाँ पे तो भी बनेगा एमेडो मर्क्यूरिक क्लोराइड और एक एच जी इधर आ गया मतलब डिस्प्रोपोशनेशन होगा मर्क्यूरी का मर्क्यूरी किधर जाएगा प्लस वन से जीरो और प्लस वन से प्लस टू मर्क्यूरी हो गया एच जी टू सी एल टू प्लस वन से जीरो और एक प्लस वन से प्लस टू ओके पोटासियम हाइड्राइड के साथ अभी आया था वहां एच जी आई टू दिया था यहां एच जी टू टू प्लस है तो बनेगा तो इधर भी एच जी टू आई टू बन जाएगा अब उसको एक्सेस दोगे

एच ये टू फोर है ना एच NH3 टू फोर थ्री से पास करोगे तो ये रिएक्शन कई बार आ चुका वही है हाँ। ग्रुप टू है बस थोड़ा सा है अब हो गया ग्रुप टू थ्री फोर और ये डन था नथिंग कॉम्पलेक्स टू लर्न हाँ कौशल बोर्ड का पोर्सन कब आएगा अरे जब तक आ जाए क्या था था था? नहीं आता उधर <laughs> तो तुम्हें क्वालिटेटिव एनालिस इतना नहीं है जितना दिखता है जितना लोग छोड़ देते हैं सब छोड़ देते हैं बट तुम लोग मत छोड़ना तुम लोग ज्यादा टाइम ओके नेक्स्ट में क्या हो गया हाँ अब करते हैं ग्रुप टू में ग्रुप टू में जाओगे तो क्या होगा पढ़ते जाओ वो भी कोई इतना टफ नहीं है ग्रुप थ्री फोर फाइव था इसी तरह लर्न हो जाता है ग्रुप टू ही थोड़ा लर्न करने में जाएगा ग्रुप टू में क्या था एच डी एस था एच जी एस प्रेसिपिटेड इन वर्ट एक्वार कौन कौन सा थ्री पार्ट एच सी एल वन पार्ट एच एन थ्री यही था ना थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं एच एन थ्री वन पार्ट और थ्री पार्ट एच जी एल है एच जी एस डिजोल्व हो गया किसमें जी सी एल टू में सल्फर उधर यही हुआ ना और पोटेसियमराइड के साथ अब ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है एच जी आई टू बनेगा जो फर्दर डिजोल्व हो गया प्लस एस एन सी एल टू और एस एनसीएल फोर कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है एस एनसीएल फोर प्लस फोर इज मोर स्टेबल ना इनर्ट पेयर इफेक्ट इज वैलिड ओनली फॉर द लास्ट थ्री वाला जो था Boron का लास्ट क्या था थैलियम टीएलसीएल बनता है पी बनता है और उधर बी का प्लस थ्री स्टेट आता है BICL2. बाकी सबके लिए हाइयर स्टेट स्टेबल होता है एस एन सी एल फोर ज्यादा स्टेबल है तो एस एन सी एल टू क्या स्टेबल होता है तो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो दूसरे को रिड्यूस करता है एस एन सी एल टू कहीं भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है मैं एच जी टू प्लस और एस एन सी एल टू दे दो तो क्या बन जाएगा मर्क्यूरस क्लोराइड बना देगा खुद एस एन सी एल फोर में चला गया और वही एच मर्क्यूरियस क्लोराइड का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया फिर से तुम एस एनसीएल टू एड कर दो तो मर्क्यूरी क्या हो जाएगा ब्लैक प्रेसिपिटेट और एस एनसीएल फोर यही है ना एच जी टू प्लस टू आई माइनस ये तो कर दिया एच जी सी एल टू प्लस एस टू क्या बन गया एच जी टू सी एल टू और एस एन सी एल फोर और एच जी टू सी एल टू क्या होगा फर्दर एस एन सी एल टू से रियक्ट कर गया और व्हाइट ब्लैक आ गया तो समझो तुम्हें व्हाइट पर से ब्लैक होते नजर आएगा यही होगा न तो एच जी सी एल टू का टेस्ट होगा तो एस एन सी एल टूल वन और एस एन सी एल टू का टेस्ट होगा तो एच डी सी एल टूल जैसे अमोनिया के लिए एच सी एल टेस्ट है अमोनिया गया तो एस सी एल ले आओ तो लग रहा है कि अमोनिया है तो एच सी एल को लेकर आओ तो व्हाइट फ्यूम बन जाएगा फिर तो व्हाइट तो तो हो जाएगा एच जी सी एल टू लग रहा की है तो एस एन सी एल टू इसका टेस्ट बन जाता है जैसे फ्लक्स में भी था सीएओ इम्प्यूरिटी है तो एस आईओ टू फ्लक्स बन जाता है और एस आईओ टू इम्प्यूरिटी होगा तो सीए फ्लक्स बन जाता क्लियर हुआ कोबाल्ट के साथ ये तो लन कर लोग कलर जो आता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा कॉपर के साथ सीयू टू सी के साथ एच एन ओ थ्री का साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा सीयूएस प्लस एच एन ओ थ्री सल्फर का प्रेसिपिटेट बनेगा यही है ना सीयूएस प्लस एच एच एन ओ थ्री दे दोगे तो सीयू एन ओ थ्री तुम्हारा आ गया और यहाँ पे HNO3 twice आ गया और ये सल्फर प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो सल्फर प्रेसिपिटेट हो गया तो सल्फर का तो ऑक्सीडेशन हो गया तो कोई तो रिड्यूस हो तो रिडक्शन किसका होगा HNO3 का HNO3 का NO2 पे आएगा यही होगा ना देखो रिएक्शन ये हुआ। ना तो हुआ के साथ दे देख लोगे का भी बता वगैरह से आ गया वाला हाँ, इसके आगे वाला रिएक्शन तो मोस्टली देखो किए ही हुए सीयू के साथ क्या बन गया वही कॉपर जैसे मर्क्यूरी के साथ बेसिक सॉल्यूशन बनता है है ना HGSO4, HGO, उसी तरह के साथ भी क्या बन गया बेसिक सोल्यूशन CuSO4 सो फोर सी यू एस

और आई टू फर्दर आई थ्री माइनस में जाता है तो उसी का थायो के करो। तो वही आई टू प्लस के साथ ये वहां पे दिया हुआ था, सब। किसका क्या कलर होगा वही मैंने बोला था कि सब कलर कोशन इधर आ जाता सी यू टू एफिसियंट सिक्स फोर ये चॉकलेट प्रेसिपिटेट केफोर एफिसियो ही प्रेसिपिटेट दिखाया गया कॉपर के साथ सी फॉर चॉकलेट याद कर लेना चॉकलेट प्रेसिपिटेट और एक आयरन के साथ ब्लू प्रेसिपिटेट थ्री प्लस के साथ वो आगे आएगा सी के साथ एस सी एन सी एस सी एन ब्लैक प्रेसिपिटेट हो गया और सी एस सी एन क्या हो गया हाँ इसके बाद कौन सा हो गया बिस्मत के साथ देखो आ, टेस्ट बाई एन एस और के सी एन वही कॉपर के साथ ये तो लर्न करोगे सीयू टू प्लस माइनस साइनोजन बोलते हैं हम लोग हाइलोजन कैसे होता है सीएन माइनस का सी एन टू बनता है बी आर माइनस का बी आर टू बनता है सीएन माइनस का भी क्या बन जाएगा सी एन टू बन जाएगा इसका नेम होगा साइनोजन हाइलोजन से बना हुआ ठीक है साइनोजन तो सी एन माइनस खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया सी एन टू में इसलिए इसको सीडो हालाइट बोलते हैं हम लोग जैसा ही काम कर रहा है सीयू टू प्लस और आई माइनस क्या बनाता सी यू आई और आई टू ना उसी तरह का रिएक्शन है देखो सी यू टू प्लस और सी एन माइनस तो कॉपर का रिडक्शन हो गया सीयू सी एन और सी एन माइनस हो गया अब ये वहां पे भी था कि ये फर्दर डिजोल्व होता है क्या था हाँ तो सी यू सी एन के सी एन के साथ रिएक्ट करके फर्दर डिजोल्व होके के सीयू सी एन फोर बन जाएगा अब उसमें आगे दिया हुआ ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट सी एन फोर थ्री माइनस है

cds बनता है क्यों cd2+ तो ब्रेक होते जाएगा ना cds बनते चला जाएगा दिस के साथ देखो bi2s3 है उसमें h+ डाला जाए तो क्या होगा bi3+ और s सल्फर प्रेसिपिटेट हो गया और नाइट्रेट का क्या बन गया प्लस +5 से nO बन जाएगा तो सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो गया तो किसी का तो रिडक्शन होना था ना hno3 खुद रिड्यूस होता है तो hno3 ऑक्सिडाइजेस bi2s3 टू सल्फर ओके okay. अब एनएस ओ सोलूशन दोगे तो बी आई एस थ्री प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट है ना तो बी आई यू थ्री प्रेसिपिटेट है तो एच प्लस डाल दो तो प्रेसिपिटेट डिजोल्व हो जाएगा ना अब वी आई यू एस थ्राइस एस एन ओ एच फोर टू माइनस थ्री एक्ट करे तो क्या होगा एस एन का स्टेट यहाँ पे प्लस टू है प्लस टू से प्लस फोर रहेगा तो बिस्मत का खुद का क्या होगा पे होगा यही है ना हाँ नाइट्रेट के साथ क्या ये कलर तुम्हें लंग करना पड़ेगा कैडमियम के साथ सिमिलरली सारे रिएक्शन सेम है जो इधर आए थे हम लोग का कॉपर के साथ जैसे दिखा था के साथ देखेगा सीओ टू प्लस के साथ वही का प्रेसिपिटेट वही कॉपर जैसे डिजोल्व होता था, था ब्लू कलर में उसी तरह यहाँ भी डिजोल्व हो जाएगा एन थ्री के साथ

हाँ नेक्स्ट में क्या हो जाएगा एंटीमनी के साथ देखो हाँ सिल्वर के साथ आर्सेनिक के साथ एस टू एस थ्री आता है येलो प्रेसिपिटेट बिल्कुल ये सब लर्निंग होगा कुछ भी नहीं कर सकते सिल्वर के साथ क्या होगा सेम यहाँ पे थोड़ा सा लर्न करना डिफिकल्ट जाएगा बट तो सब लर्न करोगे थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट साइड है सब आर्सेनिक वाला है ना और एक लास्ट में जो था येलो प्रेसिपिटेट वो तो लर्न कर लोगे अब सबका गाइडेंस दे देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला है नहीं मर्क्यूरी के साथ भी वही हो गया कि ये ऑरेंज कलर है तो ये सब कलर लर्न करने पड़ेंगे है ना आयोराइड के साथ कैसे रिएक्शन है जिंक के साथ है परफेक्ट रिएक्शन इसमें कुछ भी नहीं बोला जा सकता है ना टिन के साथ भी जो होगा वो सेम टाइप का रिएक्शन हो गया एस एन ओ एच एस एन ओ फोर टू माइनस इसी तरह से हो गया ना जैसे और सबके साथ था कि वो फर्दर डिजोल्व हो जाता था नेक्स्ट मर्क्यूरी के साथ ये अभी किया था एस एन सी एल टू एच जी सी एल टू वाला वही रिएक्शन है ग्रुप ग्रुप देखो 3 में क्या हो गया आयरन के साथ सल्फाइड तो एफ एस का ब्लैक प्रेसिपिटेट प्लस फोर एच है ना एफ एस हो गया अब ऑक्सीजन पास करोगे तो किसके लिए एफ एफ प्लस टू एफ थ्री बना देता है एफ बन गया और सल्फर यहाँ पे बाहर आ गया ये ना हाँ

हा और एचपी फोर के साथ क्या सब कलर याद करोगे सोडियम के साथ भी इसी तरह से आएगा सी एस्ट वाइस के साथ क्या हो रहा है एफी के साथ फेरिक एसिटेट क्या बना था बताया था रेड कलर स्पेसिफिकेट एफसीएनस थ्राइस और फेरिक एसीटेट वही रिएक्शन है उसके बाद अमोनियम थायोसैनेट के साथ भी वही रेड प्रसिपिटेट जो पहले भी बताया था सेम एल्युमिनियम के साथ क्या हो गया एल्युमिनियम का टेस्ट देखो एलओएस थ्राइस अब एलओएस थ्राइस क्या हो गया ये डिजॉल्व हो जाएगा तो बेस प्लस डालोगे तो एच प्लस बाहर एल्युमिनियम प्रेसिपिटेट हो जाता है ये होता है ना बाहर आ जाता है तो एम्फोटेरिक होता है तो एम्फोटेरिक वाला भी नेचर आता है इसमें एसिड और बेसिस दोनों में रिएक्ट कर सकते हो ये देख लोगे एल्यूमिनियम के साथ वाला रिएक्शन देखोगे क्रोमियम क्रोमियम के साथ सीआरओ स्न रहा है ग्रीन प्रेसिपिटेट ये भी लर्न करना पड़ेगा सिर्फ इसमें भी कुछ बताने लायक नहीं है देखते जाओ सारा लर्निंग है ना कि वो फर्दर डिजोल्व हो गया ये इसके साथ हो गया इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकते एस टू टू के साथ था वही CRO for five यहाँ पे दिया हुआ ब्लू कलर ब्लूर सोल्यूशन रिएक्शन फोर सबसे ग्रुप फोर सबसे कलर याद कर लो जेड एन वाइट था एम एन ओ स्वाइस बलर था अब यहाँ पे आ गया जेड एन ओ का व्हाइट आ जाएगा यही दिया हुआ ना एक्सेस में डिजॉल्व हो जाता है एन ए टू जेड एन ओ फोर बन जाएगा अमोनियम सोल्यूशन के साथ क्या बन जाएगा जेड एन एम एस ट्वाइस और यहाँ पे जेड एन एन एस थ्री फोर टू प्लस है पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट क्या बन जाएगा जेड एन टू एफ ट्वाइस ऐसा है ना ओके ये सब लान करोगे यहां से ये रिएक्शन नंबर फोर फाइव सिक्स पर इंपॉर्टेंट नहीं था मैग्नीज़ में जाओगे तो मैग्नीज में उसी तरह से प्रेसिपिटेट सबका वही वाइट प्रेसिपिटेट फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बन रहा है राइट right? निकेल इसमें भी कुछ नहीं कर सकते सब कलर तुम्हें लर्न करना पड़ेगा ग्रुप फाइव देखो ग्रुप फाइव में बेरियम बेरी मस्ट्रॉन्सियम है सबके कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट होंगे बस वही दिया होगा सबका ऑक्सीडेट व्हाइट प्रेसिपिटेट सबके सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट तो देखो सबका वही किया सल्फाइड सल्फेट या ऑक्सीडेट से रिएक्ट करके दिखा दिया है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है सबका ग्रुप टू के तो व्हाइट होते ही है क्रोमेट ले लेते हो तो वो येलो प्रेसिपिटेट था बी एस सीआर ऑल देखो तुम्हारा सब व्हाइट है उसी तरह लास्ट ग्रुप ले लोगे ग्रुप सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम सबका एक एक रिएक्शन दिया हुआ मैग्नीशियम मैग्नेशियम बनता है पीपीटी लर्न कर लोगे है ना और फॉस्फेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये भी लर्न करोगे आयरन वाले सारे पहले ही हो चुके हैं कि किसमें क्या कलर आएगा ना फिजिकल एस्टिमेशन जाओगे चार्ट फिर से रिपीट किया हुआ कार्बोनेट का टेस्ट ये सब ग्रुप वन ग्रुप टू चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ ये सब उसके बाद एक हीटिंग इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट में से कोई ना कोई एक आते रहता है फोर्टी फिफ्टी हीटिंग इफेक्ट है ये सब लर्न कर लोगे इजी है लर्न करना हीटिंग इफेक्ट देखो प्ले नंबर वन वन थ्री है एच जी ओ को हिट करोगे तो एच जी ओ टू पी वी थ्री ओ फोर को हिट करोगे तो लेट का स्टेबल स्टेट क्या है प्लस टू है ना तो पी वी थ्री ओ फोर प्लस टू में आ जाएगा CO, CO3, इसको हिट करोगे तो क्या होगा? Copper, और O2 में आ जाता है तो, तो यह यहाँ पे एक समराइज करके दिया हुआ क्लियर हुआ ना तो ये सब बिल्कुल तुम्हें लर्न कर जाना है क्या हो जाएगा इसके बाद ये सब समाउट एग्जाम्पल कर लो और पीछे जो है ये सब क्वेश्चन लर्न कर लो कुछ तो, तो थियरी से सॉल्व होगा बाकी सब थियरी से सॉल्व नहीं होंगे तो तुम्हें वो सबको लर्न करना पड़ेगा इसमें पूरा का पूरा इसके आगे लर्निंग जाएगा